अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनिलास डाइनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी काली मिर्च में चिकन कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपनी इस रेसिपी में बहुत ही कम मसाले यूज़ करूँगी और इसका टेस्ट जो है वो बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का आएगा। 1.25 किलो मैंने चिकन लिया है, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर डालेंगे। और ये मैंने टमाटर लिए हैं 3 पाव और लहसुन अदरक का जो पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून और एक छोटी प्याली भर के मैं इसमें दही का यूज़ करूँगी। मैं इसे टोटली काली मिर्च में बनाऊँगी और किसी किस्म की रेड मिर्च जो है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने इस तरह से चिकन ऐड कर दिया है और चिकन को मैं इस ऑयल में फ्राई करूँगी। आपको पता है कि ऑयल जो है कढ़ाई में ज़्यादा ही यूज़ होता है, फिर ही इसकी लुक बन के सामने आती है। इस ऑयल में मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी 8 से 10 मिनट। चिकन का कलर गोल्डन होने तक हम इसे लाइट गोल्डन होने तक जो है वो फ्राई करेंगे। कढ़ाई का असल टेस्ट हासिल करने के लिए और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कढ़ाई में आए, तो आप कोशिश करें कि आप जो है चिकन कढ़ाई इसी तरह की कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार में भी इसी तरह की कढ़ाई में जो है वो चिकन कढ़ाई बनाई जा रही होती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। गोल्डन कलर आने पर मैंने इसके अंदर मोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक और 1-2 लौंग डाले थे, और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल के 2-3 मिनट इसको भून लिया था। और अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। चिकन कढ़ाई की जो असल रेसिपी है उसके अंदर प्याज जो है वो बिल्कुल नहीं जाता, टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं और टमाटर दही और लहसुन अदरक के पेस्ट से ही ये जो है रेडी हो जाती है। टमाटर मैंने हाफ कट करके इसके अंदर डाल दिए थे और 10 मिनट के बाद अब मैंने जब ढक्कन उठाया है तो देखें ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब मैं इनके ऊपर से जो है टमाटर की स्किन जो है वो उतार दूंगी। इस तरह से बड़ी इजीली जो है टमाटर की स्किन उतर जाती है, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। चिकन को स्टार्ट में जो मैंने 10 मिनट के लिए फ्राई किया था उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो बोटियाँ हैं वो टूटेंगी नहीं। कढ़ाई में मैंने किसी किस्म का पानी नहीं यूज़ किया, क्योंकि पहले भी हमने चिकन को फ्राई किया है, अब ये टमाटर के जो पानी में वो भी थोड़ा गल गया होगा तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी ही स्टीम में और टमाटर के पानी से ही जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और अभी तक मैंने किसी किस्म के मसाले भी इसमें शामिल नहीं किए, वो मैं एंड में डालूंगी। इस तरह से मैंने तमाम टमाटरों के ऊपर से उनकी स्किन उतार ली है, क्योंकि ये छिलका जो है ये हमें डिस्टर्ब करता है बाद में, तो इसको रिमूव कर देना ही बेहतर होता है। चलें अब मैं इस चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको टमाटर को जो है ना इसके अंदर मैश कर दूंगी, ताकि ये जो है टमाटर वो हमारी ग्रेवी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएं। आप इसे इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल 100% जो है बाज़ार जैसा टेस्ट जो है वो फ़ील होगा। आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे आप किसी हाईवे पर बैठ के या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चिकन कढ़ाई को इंजॉय कर रहे हैं। ये कोई लाल मिर्च मैंने यूज़ नहीं की, ये सिर्फ टमाटरों का कलर है, किसी लाल मिर्च का कलर नहीं है ये। टमाटर से ही हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आ जाता है और कढ़ाई बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। तो चलिए पानी ड्राई हो गया है, अब मैं इसके अंदर अपने तमाम जो है मसाले वो इसके अंदर डाल दूंगी और अब हमने इनकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई करने में हम किसी किस्म की कंजूसी नहीं करेंगे, सही तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। और अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी, दही को आप हमेशा फेंट के फिर अपने ग्रेवी में डाला करें। अब दही डाल के फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, दही का पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर देना है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतनी ही मज़े की कढ़ाई जो है वो बनेगी। अब पानी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर 1 टीस्पून जो है कसूरी मेथी शामिल करूँगी, ये भी आपकी कढ़ाई को बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और अपनी कढ़ाई को खट्टा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर 1 लेमन का जो जूस है वो शामिल करूँगी, लेमन के बगैर तो कढ़ाई का टेस्ट ही नहीं आता। अब इस स्टेज पर आपने ख़ुद जो है इसकी ग्रेवी को सेट करना है कि आपको ग्रेवी जो है वो कैसी चाहिए। अगर तो ये आपको सही लग रही है तो आप यहाँ तक इसको मुकम्मल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी ड्राई कर सकते हैं। हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है तो मुझे इस पॉइंट पे जो है ये ठीक लग रहा है, मैं तो इसे इतना ही रखूँगी। अब टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक से मैं इसको गार्निश कर लूँगी, और फ्लेम भी मैंने ऑफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सब कुछ हमने इसके अंदर डाल दिया है तो धनिया कैसे रह सकता था, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में डाल के टेस्ट करके देखूंगी कि ये कैसी बनी है। गर्मा गर्म नान भी आ चुके हैं तो चलें इसको टेस्ट करके देखते हैं। बच्चों ने तो आज फुल पार्टी का मूड बनाया हुआ है। नान के साथ साथ कोक भी आ चुकी है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
वाओ ज़बरदस्त, देखिए कितना सॉफ्ट चिकन हमारा रेडी हुआ है और ग्रेवी भी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा टेस्ट है। लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी जाएं और जल्दी से ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। हमेशा की तरह एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।